नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक सूचना जो है वो जारी हुई है। ऐसी खबरें हैं कि देर शाम तक जो है इस कानून को लागू करने का एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। इसके बाद इसके लिए एक वेब पोर्टल भी तैयार किया गया है जिसमें इसकी पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी। सूत्रों की माने तो सरकार जो है पूरी तैयारी कर ली है और लोकसभा चुनावों के तारीखों के ऐलान से पहले एक बड़ी सूचना जो है आ रही है कि CAA कानून यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो है एक नोटिफिकेशन आज सोमवार देर शाम तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आपको इस बता दें कि CAA कानून को लेकर जो है कई तरह के पहले विवाद हुए और कई तरह के आंदोलन भी हुए, लेकिन भारतीय केंद्र की सरकार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से ये जो लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले जो है इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। और 5 सालों से ये कानून लोकसभा में पारित है, उसके बाद जो है आज जो है इसका नोटिफिकेशन जो है आने की संभावना है। देर रात तक इसका एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक आए हुए हैं 2014 से पहले और उस तरह के जो लोग हैं उनके जो निजी दस्तावेज हैं या फिर उनकी जानकारी है वो इस कानून में जो है देखने को मिलेगी कि कैसे उन्हें आप शामिल करेंगे। और इसके बाद जो है लोकसभा चुनाव से पहले ये नोटिफिकेशन जारी होगा तो इस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा लोकसभा पर, इस पर चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम सवाल जो है बने रहेंगे। फिलहाल CAA को लेकर जो है एक बड़ा अपडेट है कि आज देर शाम तक इस कानून को लागू करने की जो प्रक्रिया है और लागू करने के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक बड़ा नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी हो सकता है। उसके बाद इसका पोर्टल का शुभारंभ होगा। पोर्टल में जो भी अपडेट्स हैं, जो भी नियम कायदे एवं शर्तें जो बनाए गए हैं उसकी जानकारी जो है वो पोर्टल में नजर आएंगी और इसके बाद जो है आगे आने वाले समय में ये पता चलेगा कि ये कानून कितना लाभदायक है, कैसे देश में इसका जो है प्रभाव पड़ता है। आगे और भी तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी, रायपुर।